वेलकम अगेन, और हम बात कर रहे हैं शुगर पेशेंट की और जिनकी गुर्दों में प्रॉब्लम है, उन दोनों की, यानी कि डायबिटीज एंड किडनी। आज हमारा टॉपिक ये है, और एवरी फ्राइडे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब होते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। और मैं चाहूँगी कुछ ऐसी जिससे कुव्वत मुदाफियत भी और सीजन वाइज फल भी जो हमारे लिए बेहतर हो हर पर्सन के लिए, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ऐसी चीज़ हो जो हम ईजिएस्ट बना भी लें और खा भी लें। अब सीजन में चल रहा है मैंगो, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैंगो है, अभी कैरी का मौसम है, मौजूद कैरी मौजूद है, कैरी को बारीक कर लीजिए, ठीक है, उसके छिलका विलका निकाल के ना उस कैरी को निकाल लीजिए और उसको ग्राइंड कर दीजिए। ओके, ग्राइंड करने के बाद उसमें गुड़ शामिल कीजिए, चीनी ना डालें, ठीक है, गुड़ डालिए और गुड़ डालकर गुड़ ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है, इसमें पुदीना, अजवाइन या कलौंजी, ओके, ये शामिल कीजिए, या दोनों चीजें भी शामिल कर सकते हैं, पुदीना, अजवाइन, कलौंजी। बस लोग इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल लेते हैं तो वो एक बाकायदा ऐसी बेहतरीन चटनी टाइप बन जाती है। अगर इसको आप पानी मिलाकर पिए तो ये भी बहुत बेहतरीन है। पानी आने लग गए कैरी का नाम, ये होता है कुदरती ना, बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ी जबरदस्त ड्रिंक बन गई, मैंने पी ली, बन गई। अब आप ये लू का बेहतरीन इलाज है जिन लोगों को इस मौसम में बदहजमी, हैजा, डायरिया, कॉलरा, उसका बेहतरीन ये इलाज है, मौजूद है, और इसको अगर चटनी बना के रख लें तो आप बाजरे की रोटी से, जौ की रोटी से, या चने की, चने का आटा, बेसन की रोटी, समझे ना, उसके जरिए उसके साथ आप खाएं, साथ लस्सी पिएं और मक्खन थोड़ा सा उससे रोटी पे लगा दीजिए, तो ये इस मौसम का बेहतरीन, बहुत लाजवाब जो है ये आपका रहेगा। लोग इस मौसम में आम के साथ रोटी भी खाते हैं और साथ साथ प्याज खा रहे होते हैं, रोटी खाते हैं आम के साथ, प्याज, पुदीना वगैरह, और लस्सी भी रखते हैं, पर जितनी ये सादी होती है ना उतनी आपकी जिस्म की बॉडी को फायदा देती है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक अच्छी रेसिपी मैंने आपको बताई है कि ये आप इस्तेमाल करें और इस मौसम से लुत्फंदोज भी हों। बिल्कुल, देखिए मौसम ये बरसात भी आ रही है, बारिशें भी होंगी अभी और बीमारियां मुख्तलिफ फैलती हैं, बिल्कुल होंगी, तो आम जो है वो ऐसे ही, इसे बादशाह क्यों कहा गया, फलों का बादशाह क्यों कहा, फलों का बादशाह लीडर है ना, और ये आज से नहीं है, ये सदियों से इसको फलों का बादशाह करार दिया। ये इसके खाने से वाफिर खून पैदा होता है, बिल्कुल ठीक है, और इससे लोग कहते हैं जी मोटा हो जाते हैं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आम के साथ जो है दूध पीना भी ज़रूरी होता है, लस्सी पिए आम के साथ, और आम को ये भी नहीं है कि जनाब आप अगर जितना मर्जी आम खा लीजिए, ये आम आपको डाइजेस्ट भी कर जाता है। और इसी तरीके से एक और अभी एक मौजू पे बात हो रही थी, सभी कह रही थी जी जी कि आप कुछ प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बड़ी अच्छी बात कर रही थी, वो दोबारा से कीजिए। हाय अल्लाह, मैं भूल गई क्या बात कर रही थी, मैं ज़हन से निकल गया, कुछ बात कह, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, अब आ गई, अभी थोड़ी सेकंड के बाद अभी आपको याद आ जाएगा, थोड़ी सी आ जाएगी। अच्छा नाज़रीन, मैं ये बता रहा था कि देखिए जो तिब्बे नबी है, तरीका नबी का इलाज, ये नबी जितने दुनिया में अंबिया आए सब अपनी साथ साथ दीन का इल्म के साथ साथ इंसानों की सेहत और बका का इल्म भी लेकर आए, और उन्होंने बाकायदा अपने अपने अदवार में जो है वो लोगों को वो चीज़ें बताई कि किस क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो तिब्बे नबी आई वो तमाम अंबिया के जो थी तिब उसका निचोड़ लेकर आई, तो वो बड़ा, और आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं के और उनकी मरगूब तरीन जो चीज़ें थीं उनके बारे में आप पढ़ा कीजिए, पता लगे कि आप ने क्या क्या हदायत दी हैं और किन किन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने का आपको तारीफ़ की है कि ये इंसान ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें चंद चीज़ें हैं, खजूर, अंजीर, शहद, ज़ाफ़रान और कद्दू, लौकी, घिया, तोरी, शलजम, समझे, ये आपकी खूब ग़िज़ाओं में थी। और इस तरीके से सिरका का इस्तेमाल किया जाए,
ये मौसम जो अब बरसात का शुरू हो रहा है, ये आप सिरका इस्तेमाल करें बरसात के मौसम में, और प्याज में थोड़ा सा सिरका प्याज पुदीने में डाल के इस्तेमाल करें तो आपके खून को भी बेहतर करेगा। और कहा जाता था कि जिस घर में शहद या सिरका नहीं है वो घर बीमारियों का वो जो है बिल्कुल वो सही का, बीमारियों का घर है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम छोड़ चुके और हम आ गए हैं फास्ट फूड की तरफ, हम आ गए हैं जनाब जंक फूड की तरफ, जो कि अक्सर मरीजों को कहा जाता है कि जनाब आप यानी शुगर के मरीज़ को कहा जाता है, ये दिल के मरीज़ को कहा जाता है कि चिकनाई ना खाइए, या आप कुकीज इस्तेमाल करें, बिस्किट खाएं, आप जनाब बंद। अब वही बात, बेकरी में क्या बेचारे कैसे बनाते होंगे, इधर से चूहे दौड़ रहे हैं, वहीं करीब वॉशरूम है, मैंने आंखों से देखा है, ये सब वीडियोस में भी होता है, उसी से वो ऑफकोर्स एक बड़ी बल्क क्वांटिटी में आटा गूंदा जा रहा है, पाँव से भी तो हाथों से भी, कैसा पानी नलके से आ रहा है, वो नहीं है ना। अच्छा बात वो मैं आपसे जरूरी बात कह रही थी कि नफ्सियाती कर दिया हम लोगों को, याद मुझे आ गया था लेकिन आपकी बात चल रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा इंटरप्शन करना। तो हम लोगों को ना एक दिल कर रहा होता है कि यार जब हम लोग कोई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं डायलिसिस में या शुगर में, तो दिल कर रहा था यार मैं आम खा लूँ, यार मेरा दिल कर रहा है मैं ये जूस पी लूँ, तो हम लोग ये तलब बड़ी, लेकिन हमें नफ्सियाती कर दिए, साइको कर दिए कि आप ऐसा करोगे ये खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ये आपको टैबलेट खाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स फिर वो डॉक्टर साहब ने सही कहा कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, आप exactly, exactly, जैसा तुम घुमा करोगे वैसा ही बिल्कुल मिलेगा। अगर आप ये समझे कि ये खाना खाते वक्त हमेशा याद रखिए नाज़रीन, ये ग़िज़ा जिस वक्त आप खा रहे हो ना, हर हर लक्मे पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब लज्जत महसूस हो रही होती है तो फिर उस वक्त देखिएगा कि वो लज्जत, ये जुबान जो होती है ना, जुबान ये आपको मुख्तलिफ जायके दे रही होती है, ये जुबान आपको रास्ते दिखा रही होती है, ये जुबान से, इस जुबान से आपके मुंह से इल्म झड़ रहा होता है, इस जुबान से आदमी बहुत सारी अपने लिए मुसीबतें भी पाल लेता है इस जुबान के जरिए, और बीमारियां भी पालता है इस जुबान से। तो बात यह कि जब आपको, जैसे अब आपने कहा कि जी इन तमाम नियमतों का शुक्र अदा करना चाहिए भी, और फिर जो नियमतें आपने जो पाबंदियां लगा दी जाती हैं मुख्तलिफ, वो नाजायज पाबंदियां होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वाकई नुकसान होती है, इसको बता देते हैं कि भाई ये कुछ अरसे तक ना खाएं, ये नहीं कहते कि जनाब अब आपने सारी जिंदगी ये नहीं खाना, तो ये सारी जिंदगी की पाबंदी जो होती है ना, ये इंसान के लिए बड़ी अज़ियतनाक होती है। और जिस तरह कहा गया कि कोई ग़िज़ा खाते वक्त अगर आप महसूस करें कि जनाब मैं इससे बीमार हो जाऊंगा, तो यकीनन बीमार हो जाएंगे। अच्छा वो आप एक अच्छी सी आप हरी चटनी बनाते हैं और कैरी भी है वो, जिसके अंदर आपने धनिया पुदीना और करी पत्ता, और वो अभी हम लोग ब्रेक में भी बात करते सवांजना, और इसके अलावा इसके अंदर अनारदाना, आपके लहसुन एक अदद, हरी मिर्च भी नुकसान है, विटामिन सी प्रोवाइड करती है, उसके बीज वगैरह आप निकाल लें, तो ये आप अपनी चटनी सिल पर एक दो तीन लहसुन के जवे भी है, अब उसमें क्या मतलब ये एक जबरदस्त ग्राइंड करके, और उसमें अगर पल्प ऑफ कैरी, कैरी के छिलके उतार के उसका ग्राइंड करके आप रख लें, तो फिर ये जिस तरह इन्होंने रोटियां बताई थी बेसन की जिसमें जीरा भी डाला, सफेद जीरा कितना फायदेमंद है। एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बिल्कुल ये सारा सफेद जीरा या उस पे हल्की सी कलौंजी जो है ठीक है वो पे लगा सकते हैं गुड। रोटी पे आप उस ऐसी की रोटी भी बड़ी मजे की बनती है, बिल्कुल सौंफ की रोटी है, जो जिस रोटियों में तो अमूमन आप लंगर में देखेंगे ना, खुशबू सी आती है नान में आता है, बिल्कुल कुछ लोग बनवाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन अजवाइन, अगर आप अजवाइन का थोड़ा सा छिड़काव कर लें और इसी तरीके से अपना आप सूजी की रोटी बना ले, जबरदस्त या बिल्कुल बिस्कुट की तरह होती है ठीक है, उसको बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, छोटी छोटी हमारी टिक्कियां बना वालदा बनाया करती थी, हमें समझे कतलियां बड़े बड़े दिन आती थी ना, शबरात शबे बरात और बड़े जितने भी ऐसे दिन आते थे, तो मीठे में सूजी का जो एक हलवा एक बनता था, उसके बाद उसको एक बड़े से परात या डिश आउट किया, उसके बाद वो हल्का हल्का जब वो डलता था और फिर उसकी कटिंग की जाती थी, और जितनी भी वो बादाम पिस्ते और ये
डाला जाता था और वो जब ठंडी हो जाए तो वो यकीन करें डॉक्टर साहब प्रिजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कई कई हफ्ते चलता था वो टिक्कियां बॉटल्स में डाल के शीशे के बर्नर में वो चलता था बहुत बहुत टाइम, महीनों चलती थी रियली उसमें कोई। नाज़रीन को मैं एक और रेसिपी बता, एक और कावा जो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद और स्किन डिजीज जिनको है या किडनी प्रॉब्लम है बहुत सारी, एक जो है नाज़रीन नोट कर लीजिए, नीम के पत्ते 5 अदद, ओके, सुहांजना तकरीबन 10 ग्राम, सुहांजना का पत्ते ले लीजिए थोड़े से, और इस पुदीना करी पत्ता ये भी आप 15-20 पत्ते करी पत्ते के लीजिए, और दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा, अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा ये, और इसमें अगर गुड़ डाल लीजिए थोड़ा सा, तो इसका कहवा बनाइए 4-5 कप कहवा बनाकर सुबह निहार दोपहर शाम 3-4 मरतबा 3-3 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करें, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तमाम इमराज के क्या एक नुस्खा है, क्योंकि जो स्किन डिजीज़ के लिए भी है, शुगर मरीजों के लिए भी है, किडनी पेशेंट्स के लिए है, और वैसे भी कुछ अगर नहीं भी बीमार अगर ये दिन आप महीने में 2-4 मरतबा इसका इस्तेमाल कर लें, तो आपको फोड़े फुंसियाँ जो चेहरे पे निकल आते हैं उससे भी बच जाते हैं, और किसी किस्म का एक्जिमा वगैरह हो तो उससे भी बिल्कुल। अच्छा पहले ये होता था कि हम लोग एक बहुत कड़वी सी दवा आती थी और उसको पानी में ऐसे हम लोग जब एक स्पून देते थे तो बहुत कड़वी सी मेरे जहन से निकल गई, और वो हम इसीलिए पीते थे कि हमारे अंदर जितनी भी टॉक्सिन एलिमेंट है वो निकल जाए, उसमें नीम है, चरायता, शाहतरा, मुंडी, ये बहुत कड़वी चीजें हैं। हाँ। और ये जो है खून को साफ भी करती हैं। और करेले का कोई रेसिपी बताएं डॉक्टर साहब, आप बहुत जीनियस हैं, करेला जो है वो हमारे लिए हम उसको सब्जी के तौर पे जो इस्तेमाल करें। ये करेला जो है वो तो बहुत जबरदस्त चीज है, करेले को लोग इस्तेमाल पकाने से पहले करेले को इस तरह उसको पहले तो छिलका उतार लेते हैं जी, फिर उसके बाद उस पर नमक लगाते हैं और नमक लगा के रख देते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, निचोड़ के फिर धोते हैं, तो उस बेचारे करेले में क्या रह जाता है, है? वो तो ना नीम चढ़ा ना करेला रहा ना वो नीम चढ़ा रहा, ठीक है जी। तो कभी भी करेले को एग्जैक्टली बिल्कुल कुछ मैं बता देता हूँ, बात यह है कि आप करेले को अगर जिस वक्त प्याज को सुर्ख कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी वक्त आप करेले भी डाल दीजिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो करेला डाल दीजिए और करेले को उसमें फ्राई कर लीजिए, जब आप फ्राई करेंगे तो करेले की कड़वाहट खत्म हो जाती है। अब उस करेले में वो अचार मसाला डालते हैं जिसमें सौंफ और मेथी दाना, कलौंजी और राई, और वो भी मेथी दाना भी बड़ा जबरदस्त, राई और धनिया, ये सब अचार मसाला होता है जो करेले में खुशबू पैदा कर देता है, और यूं जो है और कैरी, करेले में आजकल मौसम कैरी का है तो टमाटर नहीं है तो कैरी भी डाल सकते हैं, नहीं बिल्कुल ये मौसम की चीजें होती हैं कि टमाटर तो हर मौसम में रहता है, लेकिन जब आप कैरी डाल के करेला पकाएंगे तो और टेस्ट उसका आ जाएगा, जब महंगा हो तो फिर कैरी यूज कर लिया, इसी तरह भिंडी, भिंडी में भी आप जो है कैरी डालिए, ठीक है, और देखिए कैरी डाले खासी मकदार में डाले आपको टेस्ट लगेगा, भिंडी का बहुत जबरदस्त चीज है, और शुगर के मरीजों के लिए भिंडी जो है जोड़ों के मरीजों के लिए भिंडी का इस्तेमाल बहुत उसके अंदर लेस होता है बहुत फायदेमंद होता है। आज तो खैर मैंने काफी चीजें आपको नहीं बहुत अच्छी होम रेमेडीज है, ये होती है अवेयरनेस की बात होती है, चीज तो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हम लोगों को उसका यूज नहीं मालूम। मक्को का जैसे आपने बताया कि मक्को का जो एक्सट्रैक्ट है जूस, वो जो मक्को अर्क, मक्को अर्क, कासनी अर्क, जीरा अर्क, ये गैसेस वगैरह निकालता है। जी हाँ जी हाँ, ये बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं या वर्म जिस्म, जिन खवातीन के जिस्म पे वर्म है, वो अर्क कासनी, अर्क मको और अर्क जीरा और पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, उसका अर्क थोड़ा थोड़ा जब डालिए सुबह दोपहर शाम, सुबह निहार पीजिए दोपहर को पीजिए और रात शाम में पी लीजिए, या दो टाइम सुबह और शाम पी सकते हैं, इससे जिस्म का जो है वर्म जो है वो उतरता है। बाज़ ख़वातीन मोटी जो है यानी वजन इतना ज्यादा नहीं होता जितना उनका जिस्म फूला होता है, जिसे बादी जिस्म कहा जाता है। अच्छा मैं अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त के नजर देखते हुए ना मैं कुछ अहम चीज़ें मैं नाज़रीन को बताता हूँ कि नाज़रीन में मेरा मतलब जो है वो गुलिस्तान जौहर और यानी राशिद मिन्हास रोड, और एक तरफ गुलिस्तान जौहर है दूसरी तरफ जो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, ये ग्लैमर मॉल
कि मैं बैठता हूँ, मैं ग्लैमर मॉल लासानिया रेस्टोरेंट के पास एक मोबाइल मॉल है, वहाँ मैं बैठता हूँ। आजकल मैं तकरीबन रोज़ाना बैठ रहा हूँ बकरीद तक जो है मेरा, ऐसे क्योंकि लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं जी जी। तो पहले मैं इतवार मंगल जुमेरात को मेरा मरीजों का था दिन, तो अब मैं तक रोज़ाना बैठ रहा हूँ। और एक और चीज़ ये है कि मैंने तमाम चीज़ों में, ख़ास तौर पर इस महंगाई के दौर में लोग चीज़ें महंगी कर रहे हैं, और मैंने लोगों के लिए डिस्काउंट रख दिया है। अच्छी बात है डॉक्टर, क्योंकि मेरी 1000 फीस है, मैंने 500 कर दिया, और तमाम अद्वियात में खसूसी तौर पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, ताकि इस बकरीद से पहले पहले आप अपने आप को कम से कम इस काबिल कर लें कि बकरीद को एंजॉय कर सकें। नहीं नहीं, अच्छी बात है ना कि आप फेवर दे रहे हैं। और पिछले दिनों तो इन्होंने एक पता नहीं कौन से दिन, उन्होंने कहा कि विदाउट एनी फी इस दिन आ जाएं तो हम आपको चेकअप करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको मेडिसिन दी जाती है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है आपसे बात की। मैंने देखा डॉक्टर साहब प्रॉपर पेशेंट को, ये नहीं कि आप आओ ऐसे नहीं, प्रॉपर उसको सुनते हैं, उनकी बात, उनको क्या प्रॉब्लम है, देन डिस्कस इज अ लॉन्ग टाइम। क्या आपको टाइम देखो, मरीज जो है ना बड़ी तकलीफ दर्द के साथ, बड़ी आसरे के साथ आपके पास आता है, मसीहा के दरवाजे पर अगर वो वापस मायूस लौट जाए तो फिर वो मजा नहीं है ना वो चीज। दूसरी बात यह है कि वो मरीज जो है वो अपनी पूरी कैफियत देता है, जब तक मैं खुद मुतमिन नहीं होता मैं मरीज को फारिग नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो बेचारे मुस्तहिक होते हैं, हकदार होते हैं, उनको मैं उनका हक अदा करता हूं, उनके लिए जो मेरे से होता है मैं उनके लिए मदद ज़रूर करता हूं, ताकि अद्वियात में जितना डिस्काउंट हो सके वो कर। अच्छा, मैं एक और मरीजों को बिल्कुल फ्री भी अद्वियात। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स ऐसा भी है कि आउट ऑफ सिटी में इनका विजिट भी होता है, या फिर अपने टाइम को मैनेज करके डिफरेंट इस्लामाबाद लाहौर वहाँ पर भी जाते हैं अपने पेशेंट्स को देखने के लिए, जो बहुत ये होता है कि यहाँ नहीं आ पाते, तो ये इनका एक सिस्टम बनता है कि ये कुछ एक डे मुकर्रर करते हैं मंथ में, फिर ये विजिट करने भी जाते हैं। अगर आप लोगों के साथ, वैसे तो अब तो बहुत ईजीएस्ट हो गया, व्हाट्सएप पे भी आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करके फ़ोन पर अपनी तमाम जो है बातें इनसे शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो ये कनेक्टिविटी भी बहुत ईजीएस्ट हो गया। अपनी रिपोर्ट दिखा सकते, तमाम रिपोर्ट भेजें वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है, वो आप हमसे बिल्कुल बाकायदा अपना जो फिजिकली चेकअप करवाएं आपका, इंशाल्लाह अब ये दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक जो है वो आपको हम सहूलतें भी फराहम करते हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी है हमारी इस ईद तक, क्योंकि डिलीवरी तमाम चीज़ें इतनी महंगाई हो गई कि डिलीवरी करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी आप लोगों के लिए फिर भी अपनी तरफ से तो जितना भी हो सकता है आप आसानियों का दरवाजा खोल। अच्छा, ईद आ रही है, जाते जाते मैं चाहूंगी कि अभी है, आई हैव जस्ट 10 मिनट्स, तो मैं कहूँगी ब्यूटी जरा हर किसी को चाहिए ना, तो मैं चाह रही हूँ वो जो आपका एक बॉटल्स में होती है वो स्प्रे है, और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत फ्रेश नजर आए, ब्यूटी आपकी इनेंस और बीमारियां भी कवर हो, तो ये प्रोडक्ट इनकी बड़ी व्हाइट लाइट स्प्रे है। यस, और इसमें मेथाथियोन और विटामिन सी शामिल है। ठीक है, और ये दुनिया का पहला एक ओरल मेथाथियोन है कि जो कि आप जिसको स्टिप लेते हैं जुबान के नीचे, एक से दो स्टिप दिन में 2 से 3 मरतबा लें, और ये बाकायदा तौर पर आपके खून में हल होती है, आपके लीवर में जाती है, लीवर को नॉरिश करती है, जिगर की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जिगर से फासिद खून को ख़त्म कर पैदा होना बंद कर देती है, और आपका फ्रेश ब्लड जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, जिगर के जो सुदे हैं, जिगर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको ख़त्म करती है, और इस तरह कुदरती तौर पर आपके पूरा जिस्म जो है वो आपका वाइटनिंग की तरफ आ जाता है, ग्लो करने लग जाती है स्किन, जो कि आपकी ख्वाबों की ताबीर जो है, जो अक्सर खवातीन जो हैं वो गोरा चिट्टा होना चाहती हैं और नहीं, ये नहीं कि आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाएगा, आप फेयर अच्छा महसूस करोगे, जिनकी खवातीन की चेहरे पे झाइयां आ जाती हैं, पैचेस आ जाते हैं, मल्टी कलर्स आ जाती हैं, चार चार पाँच पाँच रंग की जिल्द है, ना किसी और रंग की आंखें कहीं और की, और यहाँ इसी तरीके से वो पैचेज आ जाते हैं, वो हमारी मैजिक क्रीम के साथ अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्यों मैजिक क्रीम एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, इसी तरीके से मेरे पास वाइटनिंग टेबलेट्स हैं जो खाने के लिए हैं, ये पूरा एक कोर्स है जो कि हम देते हैं पेशेंट को, और इस तरह वाइटनिंग के लिए ये हमारा सोप है जो आपको साथ में इस्तेमाल करें, ये पूरी एक चीज़ है
जो आप पूरा इकट्ठा पैकेज बनाए मंगवा दें तो इसके लिए फिर हम स्पेशली डिस्काउंट भी दे रहे हैं। हाँ, sure. तो ये चीजें ये ईद का पैकेज होना चाहिए ना, फिर ऐसे कीजिए ना प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि ईद में मैंने डिस्काउंट रखा है और इसी तरीके से चूंकि मेरी अस्करी मैजिक क्रीम इसकी कीमत 18,000 रुपए है लेकिन स्पेशल डिस्काउंट मैंने स्पेशली डिस्काउंट रखा हुआ है और 15,000 3,000 का खास तौर पर डिस्काउंट है। ठीक है, और इसी तरह गारंटी एंड श्योरिटी के साथ ये बड़ी बात है इनकी, ये ऐसे नहीं कि मैंने किया और आप नहीं आए तो मेरा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब श्योरिटी के साथ आपको जब आपको पूरा और ये रिजल्ट 100% है, मनी बैक गारंटी है इन चीजों की। तो इसी तरह जो है ना हमारा अस्करी ग्रीन है, अस्करी ग्रीन जो है वो 22,000 फाइटो उसमें न्यूट्रिशंस मौजूद है, यानी दुनिया का बेहतरीन ये ऐसा दवा है अस्करी ग्रीन कि जो कि जिसमें 141 कंपोनेंट हैं जो कि आपको यानी खाने वाला शख्स जो है वो किसी भी मर्ज में मुबतला हो, नकाहत कमजोरी, कुछ लोगों को बल पड़ जाते हैं, टांगों में बल पड़ते हैं, जोड़ों में हड्डियों में आवाज सुन हो जाता है, जिस्म बिल्कुल ठीक है, और जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, जो शुगर के मरीज हैं उनको भी देते हैं, हार्ट पेशेंट भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ ज़हनी तौर पर लोगों के मेमोरी लॉस होती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, कंप्यूटर से आके बैठे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है, या वो बूढ़े लोगों के लिए ये नेमत खुदाबंदी नेमत मानिए कि ऐसे लोग जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर उनके अंदर उनकी चाल चलन जो है वो ठीक हो जाता है। ये जुमला जो मैंने कहा ना चाल चलन, ये मैं बड़ी एक बस अब मैं क्या कुछ नहीं। वो बेचारे जो है ना देखे ना बुढ़ापे में आदमी का कदम कहीं रखता है आया लड़क मगा जाता है। हाँ जी, तो उस चीज को बाकायदा तौर पर आदमी आपका वो गए डॉक्टर, छोटा डॉक्टर नहीं आया आज? हाँ नहीं, वो डॉक्टर साहब ये अच्छी बात नहीं। आपको पता मैंने किनको दिए? मेरी सिस्टर कनाडा गई है ना, मैंने उनको वो दिए गिफ्ट के तौर पे। अच्छा, मैंने कहा आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको अल्लाह ने करे, क्योंकि वो यहाँ से जब गई थी उनको थोड़ा सा फीवर हो गया ना, फिर दोबारा वो तो ठीक हो गई, तो मैंने कहा कि उनको जरा सा हो रही थी नज़ला वगैरह, मैंने कहा ये आपने यहाँ लगाना है, और अगर एक एक इतना से पानी में दो कतरे डालने, थोड़ा गार्गल भी करें, पी भी लीजिएगा, यू फील वेरी फ्रेश। बिल्कुल बिल्कुल, अस्करी वाटर जो है बड़ी अमेजिंग चीज है, अगर आपके पास है तो समझिए कि आप बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। गलती से आंख में डाल दिया था आपको? अच्छा जो डाला ना, मैंने कहा गई मेरी ना आंख में, मैं बगैर उसके मेरे बस वो बॉटल्स हो गई ना, आई ड्रॉप भी मेरे बैग में थी और वो तो बेध्यानी में कहीं डाल दी, अब वो जब डल गया तो मिर्च ऐसी जोर से लगी ना, और वो थोड़ी देर के लिए अच्छा मैं जाके मैंने कहा आप गई ना, मैंने पानी वानी डाला थोड़ा सा, उसके बाद मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज शायद साफ हो जाती है। हाँ। और ये है कि बड़ा उस वक्त कान में दर्द हो, कान में लगा ले, नाक में प्रॉब्लम हो, को दाना वगैरह निकला हो, या नाक का गोश्त जो है वो आपका बड़ा हो, जिसे लोग कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई है, तो असल में वो बस लोगों का नाक का गोश्त में स्वेलिंग हो जाती है, वर्म हो जाता है, जिससे उनका नाक बंद हो जाता है, और वो हुदूद भी तो होते हैं छोटे छोटे, फिर उसको रिकमेंड डॉक्टर्स ये करते हैं कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन के बावजूद भी उसका मसला हल नहीं होता। तो वो दवा कहते हैं हम नाक के ऊपर लगा ले, नाक के अंदर लगा ले, और उससे जो है वो चंद दिनों में वो गोश्त सुखड़ जाता है, अपनी जगह पा जाता है, नाक खुल जाती है, और मरीज जो है वो बिल्कुल अच्छा। नाक पे मैं बताऊं कि बहुत स्ट्रांग है, विक्स की तरह, जैसे लाइक ना जबरदस्त पे हर्ब्स डाली हुई है, जैतून के तेल में मिला के थोड़ा सा, जरा एहतियात के साथ, एकदम ना कहीं गलती से लगाएं, दिमाग ही खुल जाएगा पूरा। नहीं, उसमें असल में मेंथोल है, मेंथोल हाई बोल कैम्फर, समझे ना, थोड़ी देर होता है, इतनी देर नहीं होता, चंद सेकंड के लिए आपको फील होता है, और चंद सेकंडों के बाद जो है आप इस कदर फ्रेश महसूस करेंगे कि उसमें जिस वक्त नजला हो रहा होता है हम कहते हैं कि नाक टिश्यू में लगा के नाक पे रख लें, चंद लम्हों के बाद जो है आपका खत्म हो जाता है, यानी इमरजेंसी चीज है। अरे वो ड्राई खांसी थी मेरी सिस्टर को, तो मैंने कहा प्लीज आप ये दो घुट पी लीजिए बार बार, दो कतरे, हाँ दो कतरे पानी में, दो घुट पानी में दो कतरे, मैंने कहा इसे पी लीजिए, जो ड्राई खांसी आपको हो रही है ठीक हो जाएगी, और वाकई में ऑन द वे ड्राइव करते हुए वो बार बार खांस रही थी, मैंने कहा ये पियो मेरी बड़ी बहन, और उन्होंने पिया तो उनकी खांसी जो है वो रुक गई। अच्छा बात करें ये आप कुछ बताना चाह रहे थे, ये तो डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिस जो मैं जिससे पेशेंट्स को सर्च करता हूँ,
यानी चेकअप भी करता हूँ, उनको ट्रीटमेंट भी देता हूँ। और ये नाज़रीन ये एक जो है ये हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपने ना मुझे ये मैस्कुलिन और ये फेमिनिन जो है ना ये दोनों बताने, और शुगर पे जिनको जख्म होता जाते हैं उसके बारे में बताइएगा। चलिए इसकी डिवाइस के बारे में, एक चूंकि मैंने बताया था शुरू में कि मैं एक्यूपंक्चर और तिब्बे नबवी ये दोनों तरीका इलाज को मैं यूटिलाइज करता हूँ। इससे ये वो डिवाइस है जिससे मैं पूरी बॉडी का जो है वो चेकअप करता हूँ, पूरी बॉडी को डायग्नोज करता हूँ और इससे ट्रीटमेंट भी देते हैं। ठीक, ये बाकायदा पूरे प्रेशर पॉइंट्स पर होता है, ये हाथ पे लगाया जाता है, जहाँ जहाँ पॉइंट्स पर ये डिटेक्ट करता है वो हम पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। और ये पूरी बॉडी का, ये देखिए ये एक्यूपंक्चर तरीका इलाज जो है तकरीबन 5000 साल पुराना है, चाइना का तरीका इलाज है। देखिए उन्होंने भी रिसर्च की है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कहा कि इल्म हासिल करो खा छीन जाना पड़ा, समझे ना। तो इसके लिए ये डिवाइस जो है ये बड़ी ये जदीद डिवाइस है, यानी अब एको पॉइंट्स पर जो है ये डिटेक्ट करती है, आपको सुइयां लगवाने की ज़रूरत नहीं है जैसे एको पंचर्स में होती थी, अब ये इससे हम इलाज कर देते हैं बड़ी आसानी से। और ये है हमारा बीपी कॉम। बीपी कॉम का ताल्लुक क्या है, ये ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, ब्रेन दिमाग पे लगाते हैं तो ये जो रिकावट होती है दिमाग में, किसी मेमोरी लॉस हो रही होती है तो उसको रिकवर करती है, और इसी तरह जो बायो सर्कुलेशन को ये नॉर्मल करना शुरू करती है। ये भी बड़ी जदीद डिवाइस है, ये हम इसको बाकायदा, ये देखिए नाज़रीन इसमें बाकायदा लेज़र जैसे दे फिंगर टच करते हैं तो रेड इसमें लाइट्स सर पे लगाते हैं तो ये अपनी जगह पर बाकायदा तौर पर ये काम करती है। अच्छा, ये जोड़ों के दर्दों वगैरह के लिए है, और इसी तरह सर दर्द खास तौर में माइग्रेन जो लोगों को खवातीन को खास तौर पे हो जाता है, मर्दों को भी होता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा एक डिवाइस है जो हम बाकायदा बाहर से मंगवाते भी हैं। और इसको अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह ने अगर ये देखें कुछ लोगों को शुगर वाले जो होते हैं वो डरते हैं कि हमें कहीं चोट ना लग जाए और जख्म हो गए, तो आप उसके बारे में बताएं। ये है फेमिनाइन और मस्कुलाइन, ये शुगर के मरीजों के जिनको गैंग्रीन हो जाता है या किसी किस्म के रैशेस बॉडी पे हो जाते हैं, फंगस हो जाती है, को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पर, ये उसको ख़त्म करती है। ये लगाने के लिए है, पूरे जब दहाएँ पूरे जिस्म पर लगा लें, और इसी तरीके से पाइल्स वगैरह में भी ये होता है। ख़ास तौर पे ये फेमिनाइन जो है जो ख़वातीन का है, ये जिन ख़वातीन को लेकोरिया हो जाता है, लेकोरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, ये वजाइनल इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और जो है वो नॉर्मल कर देती है स्किन को भी, और स्किन डिजीज़ जो है उसको कवर करती है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये देखिए नाज़रीन, ये चांदी की गोलियाँ हैं, यानी चांदी इस पर वर्क चढ़ा हुआ है। और इसको देखे सोना और चांदी धातें जो हैं इंसान की बॉडी नीड है, अल्लाह पाक ने जी हाँ। कभी आप आयरन किसी को देते हैं, आयरन डेफिशिएंसी होती है, कहीं तांबा देते हैं, कॉपर देते हैं, कहीं आप उसको गोल्ड भी खिलाते हैं। और नाज़रीन बात ये है, आयरन को भी नहीं छोड़ा ना, लोहे को भी नहीं छोड़ा, आयरन का इंजेक्शन अक्सर लोग लगवाते हैं। नाज़रीन बात यह है कि ये दुनिया की बेहतरीन जो है दवा है, जिसमें हर्बल शामिल है, इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान, जुन्बदिस्तर वगैरह जवारात हैं, और जिसमें नीलम, पुखराज, लाल बदख्शा, डायमंड, सच्चे मोती और बरजान, अकीक, सदफ, ये उन लोगों के लिए हैं कि जो अज़्वाजी मामलात में नाकाम हो जाते हैं या जिनको जो बे औलादी का शिकार होते हैं, अफजाइश नस्ल से महरूम रहते हैं, उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन हज़रात के लिए ये ज़बरदस्त एक हमारा नुस्खा है जो कि ख़ानदानी अद्वियात से बना हुआ है। नाज़रीन वक्त की किल्लत के बाद सिर्फ आखिरी चंद लम्हे हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए मेरी इस वक्त मोबाइल पर मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, आप मुझे 2 बजे के बाद कॉल कीजिएगा और 4 बजे के बाद जो है वह आप मुझे कॉल कर लें तो मैं आपको इंशाल्लाह बेहतरीन मशवरा 2 से 4 के दरमियान में आपको मशावरत दूंगा। बात यह है ये जिस्म अल्लाह की नेमत है, अमानत है, और इसको इस्तेमाल कीजिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अल्लाह ने जो निज़ाम मुरतब किया है इंसानों की सेहत बका के लिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का सीरत पर आप अमल कीजिए तो यकीन मानिए दुनिया और आखरत आपकी
जन्नत बन जाएगी और आप अपनी औलाद को अपनी आने वाली नस्ल की बका और फलाह के लिए आप उनको तिब्ब नबी और मेरे रब के दिए हुए पैगामात पर अमल करें। इंशाल्लाह आप दुनिया और आखरत में सुरखुरू रहेंगे, यकीन और अमान की कैफियत में रहें और जो मामलात आपसे आपसे हो सकते हैं वो आप उससे डिस्कस करके कीजिए। इंशाल्लाह वक्त में खुदा बफजल ताला अगले जुमे को भी मैं आपके पास हाजिर हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक बताएं ना हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है नाज़िर मेरा है जो हुस्नो से ये नहीं नहीं एक कीजिएगा गोश्त बकरा ईद आने वाली है अच्छा, ना, उसके मुताबिक कुछ टॉपिक लेकर आइएगा, ये नुस्खे भी लेकर आइएगा। हुस्नो सेहत क्या है, निजाम हजम क्या हुआ है और बकरीद को आप बेहतरीन तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं। आप बेशक एक किलो गोश्त खा जाइए और उसको डाइजेस्ट कैसे करना है और अगले जुम्मे को देखिएगा उसको किस तरीके से आपने, मैंने कुछ ऐसी रेसिपीज भी बता दूंगा कि जो आपको बकरीद से पहले पहले आपको इंशाल्लाह कुछ चीजें ऐसी दे देंगे जो आपको हजम भी करे, आप गोश्त भी हजम करें, इंजॉय भी करें और इंशाल्लाह आप उससे मुफ्तफीद होते रहे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया रुख साहब जी। नाज़रीन आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।